एक समय था लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यक्तिगत जीवन में भी सहन करना पड़े तो करते थे, ठीक है तुमको नहीं करना तो मत करो, मैं इसके बिना चला लूंगा लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, ऐसा एक वक्त था इस देश में। फिर वक्त बदला, जब वक्त बदला तो ऐसे बदला, चलो यार हम कहां दुनिया को सुधारने जाएंगे, चलो यार मेरा कर ले, ले ले चल भाई यार मेरा काम पूरा कर, कॉम्प्रोमाइज शुरू हुआ। फिर एक वक्त ऐसा आया, बदलाव मूल्यों में गिरावट कैसे आती है कि भाई चलो यार अब करप्शन को एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है, चलिए है जीवन का हिस्सा हो गया है। मैं देख रहा हूं कि दुर्भाग्य कि आज सार्वजनिक जीवन में यह हिम्मत आ रही है कि करप्शन के पक्ष में भाषण लोग कर पा रहे हैं, करप्शन के पक्ष में, काले धन के पक्ष में खुलेआम मैदान में उतर रहे हैं। किसी भी देश के लिए मूल्यों का जो पतन होता है वो सबसे बड़ा संकट होता है। जो आज 80 साल की उम्र के होंगे उनके जमाने में भी जब स्कूल की एग्जाम होती होगी, कॉलेज की एग्जाम होती, हो सकता है शायद एकाध चोरी करता होगा, लेकिन वो भी छुप छुप के चोरी भी चोरी से करता होगा, ये भी देखता होगा अगल बगल वाले को पता ना चले कि मैं कहां देख रहा हूं, कहां से कागज। वो एक मोरल प्रेशर में जीता था, उसको प्रेशर रहता था यार मैंने इसकी कॉपी कर ली, उसको टेंशन रहता था। धीरे धीरे वक्त आया, हाथ में लिख करके जाता था, ऐसा करके बिल्कुल थोड़ा वक्त बदल गया। चोरी एग्जाम में करने से वो मजबूरन कैरियर कर लेता था, लेकिन फिर भी ये चाहता था दुनिया को पता न चले, किसी को पता ना चले, घर में भी किसी को पता ना चले, टीचर को पता ना चले। वक्त इतना बदलता गया कि वो टेबल पे छुरा रखता है और देखता हूं कौन आज सुपरवाइजर है, मैं तो ये लिखूंगा, खिड़की से मंगवाऊंगा, अब तो मोबाइल फोन है तो एसएमएस से आ जाता है। ये जो मूल्यों का पतन है, जाओ हो कर लो हम तो बैठे, आज इस देश का दुर्भाग्य है कि एक छोटा सा कौन हो एक वर्ग उभर करके सामने आने की हिम्मत कर रहा है कि जो करप्शन और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के सामने कहता है नहीं मैं तो करप्शन और काले धन वालों के साथ खड़ा रहूंगा। ऐसे समय भविष्य का विचार करते हुए हमारी भावी पीढ़ियों का भला करने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज मानसिकता के सामने खड़े होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा।